राज अलंकरण समारोह का मौका है और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की खेल नीति को लेकर जो बात कही कि जल्द ही प्रदेश की खेल नीति आएगी, लेकिन इस मौके पर जिस तरह से यहाँ पर खिलाड़ियों का उसका वर्णन किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया और इसमें जो महती भूमिका है सचिव समाज कल्याण खेल विभाग सोनमोनी बोरा जी हमारे साथ मौजूद है। बोरा जी, अगर समझा जाए जिस तरह से आपने यहाँ पे आज व्यवस्था रखी, कई हॉस्टल देखने को मिला, तमाम खिलाड़ियों को काफी अच्छे से पुरस्कृत भी किया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मंच से जो घोषणा की जिसका इंतजार सबको था, प्रदेशवासियों का था, खेल नीति, कहीं ना कहीं ये खेल नीति प्रदेश में विकास के एक दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है खेल जगत में। देखिए, खेल नीति एक जो स्टेट का खेल नीति है ये एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट है और ये हमें आने वाला जब तक इसको दोबारा संशोधित नहीं किया जाएगा तब तक के लिए एक पूरा विजन है कि आप किस नीति के साथ, किस विजन के साथ खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ियों के साथ साथ जो प्रशिक्षक है, प्रशिक्षण की व्यवस्था है, प्रतिस्पर्धाएं है, और खेल तो अभी बहुआयामी हो गया है क्योंकि खिलाड़ी का एक समय होता है लेकिन उसके बाद भी सतत रूप से यदि हम लोगों को, सीनियर सिटीजन को भी इन्वॉल्व रखना है या दुस्साहसिक खेल को भी यदि हम आगे बढ़ाना है तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है इसमें हर प्रकार के विषय वस्तु को जो है टच किया गया है और उसमें एक नीति बनाई गई है जो अंतिम स्तर पे है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैबिनेट में, जिसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि एक महीने के भीतर लागू किया जाएगा, नेक्स्ट कैबिनेट में ये आ जाएगा, कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद ये लागू हो जाएगा। इसका सारी जो प्रारंभिक तैयारियां है, जो विभिन्न संघों के साथ चर्चा करना, सुझाव लेना, वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ बैठना, अलग अलग कमेटियों के साथ बैठना और जो विभागों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा नीति में बिंदु है जो एक विभाग से जुड़े हुए नहीं है, बहुत सारे जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है, आदिवासी विकास विभाग है और इस प्रकार के विभागों का अंतर विभागीय जो है समन्वय की भी आवश्यकता होगी और उस हिसाब से कार्यक्रम बनेगी। तो ये तमाम जो है कार्यक्रम या जो परिचर्चा है या जो तैयारियां है ये हो गया है, अब अंतिम जो है कैबिनेट में ये होने है और ड्राफ्टिंग इसकी की जाएगी, अंतिम ड्राफ्टिंग उसके बाद में, अंतिम ड्राफ्टिंग भी हो गया है, केवल अब कैबिनेट में इसमें जैसे मूल रूप से जो तीन बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, एक तो जीएडी है, सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि इसमें नौकरी की भी बात है, बहुत सारे चीजें हैं, और दूसरा है विधि विभाग, उनका भी राय ले लिया गया है, और वित्त विभाग, क्योंकि अल्टीमेटली वित्त पोषण वहीं से होगा। तीनों का हमें सहमति मिल गई है, अब आगामी कैबिनेट में आएंगे, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा एक महीने के भीतर नई खेल नीति को जो है लागू करने की बात कही है और ये एक महीने के भीतर जो है लागू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ एक तरह से खेल गढ़ भी बनता जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे ऑडिटोरियम हॉकी का अगर देख लिया जाए, क्रिकेट को लेकर देख लिया जाए, स्टेडियम, तमाम सर्वांगीण विकास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक चीज खासतौर पर अगर देखा जाए, कहा यह जाता है कि जैसे रिसर्च भी काफी हुए, अमेरिकन कई एसोसिएशन उन्होंने भी रिसर्च किया कि जो स्पोर्ट्स में जिनका पार्टिसिपेट काफी ज्यादा रहता है वो मेन स्ट्रीम पढ़ाई में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते जी। उसी दिशा में एक सकारात्मक माहौल जो है तो ये थे सोनमणि बोरा जी, जिनसे खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड आर के गांधी ने और छत्तीसगढ़ खेल सचिव सोनमणि बोरा ने कई मुद्दों को लेकर हमारे स्टेट हेड आर के गांधी से बातचीत की। आपको बता दें खेल दिवस के मौके पर यह समारोह का आयोजन किया गया, जो है ये आपको जानकारी में आ जाएगी। तो कुल मिला की यह है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना जरूरी है, किसी न किसी खेल के साथ जोड़ना जरूरी है और हमारा प्राथमिकता यह है कि जैसे ओलंपिक गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशिया गेम है, नेशनल गेम्स है, तो इन गेम्स को प्राथमिकता में रखते हुए, लेकिन जो नॉन ओलंपिक गेम है जिसको अलग अलग फॉर्मेट में खेली जाती है, वर्ल्ड लेवल पे खेली जाती है, उनको भी हम लोग ध्यान में रखा है। तो कुल मिला के हर खेल को आप समान रूप से जो है प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ प्राथमिकता तय की है जिसमें हमारे खिलाड़ी को अधिक से अधिक प्रोत्साहन समय पर मिले और वो अलग अलग स्तर में जाके जो है अपने स्टेट का और देश का जो है प्रतिनिधित्व कर सके। एक बात और कि जो आज पुरस्कृत हुए हैं हमारे साथ में मौजूद है, हम लोग भी कहीं ना कहीं इस फेज से गुजर चुके हैं, लेकिन कहा अक्सर हम लोग समय में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना, आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, इस तरह की जो कहावत है वो अक्सर बच्चों के डर में, मतलब मन में डर एक बैठा दिया जाता था और कहीं ना कहीं इस डर को दूर भगाने की जरूरत है और इस तरह के जो परफॉर्मेंस, इस तरह के जो वो कहीं ना कहीं जो पुरानी भ्रांति है उसको दूर कर सकता है। बिल्कुल सही, इतना सम्मान के साथ जब खिलाड़ियों को अलंकरण होता है तो यहाँ मौजूद केवल जो अभिभावक ही नहीं है, और आज तो मुझे लगता है
कहीं लाइव प्रसारण भी हुआ है, ये सब लोग देखेंगे, प्रोत्साहित होंगे कि हमारे बच्चे जो कुछ मेडल लेके आए हैं, तो उनको भी उसी हिसाब से प्रोत्साहन मिलेगी। और आपने देखा होगा कि पिछले साल से जो नगद राशि का जो पुरस्कार है वो बढ़ा दी गई है, तो मुझे लगता है पूरा देश भर में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां इतनी बड़ी राशि जो है नगद पुरस्कार जो है खिलाड़ी को दी जाती है। तो जब मुख्यमंत्री जी से लेके तमाम मंत्रीगण, तमाम जो विशिष्ट अतिथिगण आके जब खिलाड़ियों को इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से सम्मान करते हैं, नगद राशि से प्रोत्साहित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, समर्थवान होने के लिए उनको जो है उस हिसाब से जो एक माहौल तैयार करते हैं, मुझे लगता है इससे माता पिता भी साथ साथ जो है हौसला जो उनका भी बढ़ता है। खिलाड़ी के साथ मैं हमेशा मानता हूँ कि माता पिता का भी इतने ही त्याग है, क्योंकि मैं अक्सर जो अच्छे खिलाड़ी है उनका आप देखिएगा माता पिता में से कोई ना कोई जो है पूरा फुल टाइम उन जो खिलाड़ी के साथ उनको लगे रहना पड़ता है। तो ये माता पिता के दृष्टि से भी बहुत व्यापक त्याग है, तभी ये खिलाड़ी निकल के आता है, प्रशिक्षक का बड़ी त्याग है। तो ये एक देखा जाए इंडिविजुअल गेन है, लेकिन उसके साथ जो है बहुत लोगों का त्याग जो है जुड़े रहते हैं। तो ये देखा जाए एक्चुअली एक पारिवारिक माहौल के साथ साथ समाज कैसे उन खिलाड़ियों को लेते हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी दी जाती है, केवल नगद राशि का ही बात नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ी मुझे लगता है बहुत कम स्टेट है जहां पे नौकरी देने की बात कही गई है। तो ये एक अलग प्रोत्साहन जो है खिलाड़ियों को मिलता है कि यस आप अच्छा खेलिए, सरकार जो है आपका सूद लेंगे, केवल मेडल तक सूद नहीं लेंगे, आपको हो सकता है उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने पर नौकरी भी मिलेगी। तो ये एक जो आश्वासन, एक जो सुरक्षा जो है छत्तीसगढ़ शासन ने दी है, मुझे लगता है कि ये पूरे देश भर में बहुत गिने चुने स्टेट होंगे जहां इस तरह का नीति बनाई गई है। इस तरह की नीति, इस नीति से कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। अक्सर मैं देखता था ये राज खेल अलंकरण समारोह को मैंने कई बार कवरेज किया है, अक्सर विवादों में रहता था, लेकिन कुछ सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो खिलाड़ी जो विवाद उठाते थे, प्रश्न उठाते थे, शायद इस बार चयन इस तरह से हो रहा है कि उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं रह जा रहा है, और बहुत सही, और जो सुलझे हुए व्यक्ति है जिनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए उनको ही सम्मान मिलता है। जी बिल्कुल सही, जो निर्णायक कमेटी है जिसमें मैं भी हूँ, लेकिन आप देखेंगे हमारे 90% वो है जो खेल से जुड़े हुए हैं या खेल के विधाओं में उन्होंने अलग पहचान बनाई है। दूसरी बात है हमारे जो अंक देने का जो मूल्यांकन जो पद्धति हमने बनाए है वो बिल्कुल पारदर्शी है। तो आपने कितना मेडल जीता है, आपका क्या दक्षता है और आपने पूरे साल भर में क्या उपलब्धि है, उस आधार पे आप स्वयं जो है अपना मूल्यांकन को है तैयार कर सकते हैं। तो हर खिलाड़ी को लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन जब मूल्यांकन होता है तो वो देखा जाता है कि साल भर में उनका उपलब्धि क्या है, और उपलब्धि के आधार पे उनको जो है अंक दी जाती है, और उस अंक के आधार पे जो है उनका क्रम बनता है और उस क्रम के अनुसार दिया जाता है। उसके बाद ही हम लोग पारदर्शिता के दृष्टि से हम दावा आपत्ति फिर से लेते हैं। तो एक पूरा मैं कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देते हुए, दक्षता को और क्वालिटी को प्राथमिकता देते हुए हमारे पूरा मूल्यांकन किया जाता है और अवार्ड की घोषणा की गई है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विवाद का जो है बात है ये भी खत्म लगभग हो गई है। अभी मैंने फिर से कमिटी बनाए हैं, जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ीगण है, खेल से जुड़े हुए प्रशिक्षक है, खिलाड़ी है, वो और हमें सुझाव देंगे कि इसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सर ये देखा जाता है कि प्रतिभा तो हर किसी व्यक्ति में, हर किसी बच्चे में होती है, उसको निखारने की जरूरत होती है, उसे मंच देने की जरूरत होती है, इसमें फिल्मों की भी काफी भूमिका होती जा रही है। जैसे अभी पूर्णा मूवी को आप देख लीजिए, पूर्णा में एक आईपीएस ही थे, फिर उनको एक जिम्मेदारी दी गई, फिर उन्होंने किस तरह से उसको निखारा, फिर वो पर्वतार हुई, एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की। तो इस तरह से अगर दुर्गम इलाकों से, बस्तर में भी ऐसी कई सारी प्रतिभाएं हैं, उनको अगर निकाला जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मंशा है कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में छत्तीसगढ़ का नाम हो। बिल्कुल सही, और आज आपने देखा होगा कि अधिकांश ऐसे आज खिलाड़ी है जिनका आज यहाँ सम्मान हुआ है, जो एक्चुअली ओलंपिक तक जाने का जो है उनका वो प्रतिभा रखते हैं। तो ये समय की बात है कि कौन वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन जो सुविधाएं देने की बात है, उनको प्रोत्साहित करने की बात है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो आप बाहर जाके प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो लगातार हम लोग के संपर्क में भी है, और विभाग की ओर से, सीएम साहब की ओर से भी, खेल मंत्री की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में है, और उनका जो छोटे मोटे दिक्कतें हैं उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है इन्हीं में से बहुत खिलाड़ी आगे जाके देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, ओलंपिक, एशिया, कॉमनवेल्थ, अभी तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ भी है, तो इस खेलों में आएंगे। ऑलरेडी एक दो खिलाड़ी है जो ऑलरेडी नेशनल टीम में खेल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ नेशनल गेम का भी प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। जी हमारे गोवा के बाद नेशनल गेम्स यही होना है, और हमारा टारगेट है कि अधिक से अधिक पदक जो है उसमें हमारे खिलाड़ी लेके आएंगे।
कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर खेल विभाग यहाँ पर मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पे खिलाड़ियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको अलंकृत किया जा रहा है, तो इससे आने वाला समय छत्तीसगढ़ में एक काफी सकारात्मक स्वरूप देखने को मिल सकता है। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आरती गांधी, सादा न्यूज, रायपुर। तो ये थे छत्तीसगढ़ के खेल सचिव सोनमणि बोरा, जिन्होंने हमारे स्टेट हेड आर के गांधी से खास बातचीत की और खेलों को प्रोत्साहित करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि खेलों में खिलाड़ियों की रुचि बनी रहे और साथ ही साथ कई तरह की सुविधाएं भी खिलाड़ियों को दी जाएंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप